हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स रीड एंड लर्न विद ज्योत्सना। दिस इज़ पार्ट सिक्स ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, क्लास 10, एनसीईआरटी बायोलॉजी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द नोट्स फॉर द टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले हम 5 वीडियोस कवर कर चुके हैं जिसमें हमने एनसीईआरटी में से लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को वर्ड टू वर्ड पढ़ा है और समझा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है, प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से कंसेप्ट इजीली समझ आ जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे और आगे भी अच्छे से आप समझ पाएंगे, राइट? तो इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, राइट? उसको हम देखेंगे। और इससे पहले मैंने पार्ट 4 में भी नोट्स दिए थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, राइट? और मैंने आपको डायग्राम्स पहले की वीडियोज़ में भी दिए थे हैंड रिटन, और इसमें भी डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। So in today's video we'll see nutrition in animals. Depending upon the source of carbon from where the food is taken, different organisms utilize different nutritional processes. किस पर डिपेंड करते हुए कि सोर्स ऑफ कार्बन क्या है, जहाँ से हमें फूड मिलता है, कि कहाँ से लिया गया वो सोर्स ऑफ कार्बन, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस को, ठीक है? इस बात को समझने के लिए उस वीडियो को जाके देखिए जो पहले की वीडियोज़ हैं जिसमें हमने एनसीईआरटी को शुरू से पढ़ा है। आपको ये बात आसानी से समझ आ जाएगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें एनसीईआरटी में भी, और मैंने भी वर्ड टू वर्ड उसे पढ़ के आपको एक्सप्लेन किया है। अब स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं एनिमल्स में, इंजेशन, डाइजेशन। अब इंजेशन क्या होता है, इंजेशन होता है इनटेक ऑफ फूड, मीन कि हम फूड को आउटसाइड द बॉडी से इनसाइड द बॉडी ले जा रहे हैं, ठीक है? तो हम अगर बात करें तो हम कहाँ से ले रहे होंगे इनसाइड द बॉडी, फ्रॉम आवर माउथ, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें। फिर उस फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपलर वंस, कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना। यही तो हमने देखा था कि जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं एनिमल्स, क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स ही होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को लेते हैं और उसे ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल वंस में, जिससे कि वो आसानी से उसमें से एनर्जी ले सकें, उसको एब्जॉर्ब कर सकें, राइट? अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, जिसमें क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड जो है मूव करता है टू द अदर ऑर्गन फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन। फिर उस एब्जॉर्ब फूड का क्या होगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स यूटिलाइजेशन। अब फूड एब्जॉर्ब हो गया हमारे बॉडी में, अब उसका हमारे को यूटिलाइज करना है। किस लिए यूटिलाइज करना है, फॉर द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। ये हमने फर्स्ट वीडियो में ही एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में ही वो समझाते आ रहे हैं, ठीक है? इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखें। एंड द लास्ट वन इज़ इजेशन। इजेशन क्या है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो फूड अनडाइजेस्टिड रह जाता है उसको हम एग्जिट आउट कर देते हैं आउट ऑफ आवर बॉडी, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए यूजलेस है, ठीक है? उसमें से जितनी भी हमारे को यूज़फुल चीज़ें थी वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर चुकी है, एसिमिलेट कर चुकी है, यानी कि यूटिलाइज कर चुकी है और रिमूव कर दिया अब हमने अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को, उसे हम कह रहे हैं इंजेशन, राइट? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ऑल द ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनटेक ऑफ फूड, जितने भी ऑर्गन्स हैं किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनटेक ऑफ फूड, मतलब कि क्या है इसका मतलब, इनटेक ऑफ फूड अभी हमने देखा इंजेशन होता है, और इट्स डाइजेशन उसी फूड का डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, और ये क्या था, इजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ये जितने भी ऑर्गन्स जो ये सारे फंक्शंस कर रहे हैं अपने अपने, इनटेक ऑफ फूड यानी इंजेशन का, डाइजेशन का, एसिमिलेशन और इजेशन का, वो ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम किससे कंसिस्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड से, ठीक है? सो ये आपने देखा, अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। एक ये लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही होती है, माउथ से लेके एनस तक। और इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, माउथ, फिर टीथ, टंग, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो ये सारा पूरा कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल, राइट? और हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, माउथ के, वहाँ पे हमने देखा अभी। एक होता है लीवर, लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। एंड द थर्ड वन इज पैनक्रियाज,
ठीक है, अब आगे देखते हैं इनका क्या रोल है। देखिए ये हमने डायग्राम बनाया हुआ है, किसका है ये? ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, यानी कि कह दिया जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तो ये मैंने आपको ये हाथ से बना के इसलिए दिया है जिससे कि आसानी से आप बना सकें, जिनसे नहीं बनते हैं डायग्राम उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, तो पहले माउथ है, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स, देखिए हमारे माउथ के एरिया में यहीं पर प्रेजेंट हैं ये। ये जो पूरा इतना ये एरिया होता है ये बकल कैविटी होती है। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स देखिए ये वाला पार्ट है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो पार्ट है ये, ठीक है। स्टमक आपको पता ही है, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे पैनक्रियाज होता है, एंड ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है। अच्छा, ये यहाँ पे एनस है लास्ट वाला पार्ट, इससे ऊपर थोड़ा सा ये रेक्टम है और ये कॉलोन होता है। अच्छा, कॉलोन और रेक्टम क्या है? ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं, और जैसा कि डायग्राम में दिख भी रहा है। और ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बट मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसका ये जो पार्ट है, ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट है, इसे कहते हैं ड्यूडेनम। ये बीच में जो पार्ट आ जाता है इसको कहते हैं जेजेनम, एंड लास्ट वन इज इलियम। अब क्या है इसके बाद? ये आपको यहाँ पे ये अपेंडिक्स दिख रहा है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ हमने स्मॉल इंटेस्टाइन भी देख लिए और लार्ज इंटेस्टाइन भी देख लिए। ये हमारे को डायग्राम बहुत ज़रूरी आना चाहिए, डायग्राम बनाने होते हैं साइंस में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम्स। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अच्छा अब ये पूरा प्रोसेस हम बता रहे हैं कि माउथ में क्या होता है, फिर टीथ का क्या रोल होता है, ठीक है। माउथ क्या करता है? इनटेक ऑफ होल फूड, हम माउथ के थ्रू जो होल फूड है वो भी हम लेते हैं, वो हम माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं आउटसाइड द बॉडी टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी। फिर टीथ का क्या काम होता है? हम उसे फूड को च्यू करना, या फिर आप कह सकते हैं ग्राइंड करना या क्रश करना, कहते हैं ना चबा चबा के खाओ, तो इसीलिए कि मैक्सिमम फूड जो है हमारे मुँह में ही क्रश डाउन हो जाए जिससे कि उसको आगे प्रोसेस करने में इजी हो, ठीक है। टंग क्या करती है? टंग क्या है? रोलिंग ऑफ फूड करती है, पता ही होगा। और टंग से ही हम टेस्ट भी करते हैं फूड को, टेस्ट बड्स होते हैं टंग पे। और बाकी क्या होता है? स्वेलोइंग एंड पुशिंग डाउन द फूड। अब टंग क्या, इस टंग किस में भी हेल्प करती है कि जो हम फूड स्वेलो कर रहे हैं और वो हमारे माउथ से अब ये यहाँ पे नीचे तक नेक्स्ट पार्ट में जा सके, ठीक है। तो आपने देख रहा है माउथ पार्ट में हमारा क्या था? माउथ था, टीथ था, टंग की हमने देख लिया। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड का काम है सिक्रीट सलाइवा कंटेनिंग सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या है? ये है एक एंजाइम जो क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है। इसके रिलेटेड हमने एक एक्टिविटी भी देखी थी एनसीईआरटी में, इसलिए मैं बोल रही हूँ जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियोस। और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? म्यूकस भी सिक्रीट करते हैं, राइट। अब उसके आगे ईसोफेगस आ जाता है। ईसोफेगस क्या था? फूड पाइप बोलते हैं जिसे, अभी हमने डायग्राम में भी देखा, ये रहा ईसोफेगस, ये जो यहाँ से ये जो पूरा है ये ईसोफेगस है ना। अब ईसोफेगस से फूड, पहले हमारे माउथ में फूड था, यहाँ पे टंग टीथ और माउथ से हमने लिया, टीथ ने क्रश किया, टंग ने उसे रोल किया, पुश डाउन किया, राइट। और स्लाइवरी ग्लैंड्स ने स्लाइवरी अमाइलेज सिक्रीट किया, जहाँ पे जिसने क्या किया, स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब फूड ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेगस से कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा, ठीक है। स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है ईसोफेगस से क्या होता है, क्या करता है? टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। अब ईसोफेगस में फूड आ गया, ईसोफेगस से कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा, अभी मैंने बताया आपको। तो ईसोफेगस से फूड कैसे जाता है? ईसोफेगस जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स करता है, मतलब रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं जिससे कि वो मूवमेंट जो है फूड की ईजिली हो सके ईसोफेगस के थ्रू तो स्टमक तक, राइट। ये देखिए डायग्राम में मैंने आपको समझाया है, ये ईसोफेगस है, ये जो एरिया है कॉन्ट्रैक्शन का है, ये जो ये वाला एरिया है ये क्या है? एरिया ऑफ रिलैक्सेशन है, ठीक। और ये जो बीच में ब्लैक ब्लैक है ये क्या है? फूड बॉलर्स, यानी कि वो जो फूड मटेरियल, जो फूड है जो हमारी माउथ से
ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जा रहा है। फूड बोलस, बोलस क्या होता है? मॉइस्टेंट पार्शली डाइजेस्टेड फूड। मॉइस्टेंट मतलब थोड़ा थोड़ा गीला गीला था, और पार्शली डाइजेस्टेड है ना, मैंने बोला था कि क्यों पार्शली डाइजेस्टेड बोला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टार्च जो है सिंपल शुगर में वहाँ कन्वर्ट हो गया स्लाइवरी एमाइलेज या फिर पेक्टिन के एक्शन से, राइट। एंड फूड इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल बॉल कॉल्ड बोलस। तो वो क्या होता है, आपने खाना खाते होंगे, देखते होंगे ना हमारे मुंह में वो कैसा सा हो जाता है, गीला गीला सा होता है, किसकी वजह से? सलाइवा की वजह से, ठीक है। इसलिए मॉइस्ट एंड पार्शली डाइजेस्टिव फूड इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल बॉल कॉल्ड बोलस, ठीक। तो वो अब क्या हो गया, स्टमक में जा रहा है फूड। जब स्टमक में जा रहा है तो क्या हो रहा है, स्टमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। गैस्ट्रिक वर्ड ही स्टमक से रिलेटेड है मोस्टली। गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करेंगे। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में होता है पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये बस हम रिवाइज कर रहे हैं नोट्स में थ्रू। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है किसमें, स्मॉलर पार्टिकल्स में, इन एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम कहाँ से आता है, HCl से आता है। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि जो पेप्सिन है अपना काम अच्छे से कर सके, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है एसिडिक मीडियम में। और इस NCERT में भी उसने पूछा था कि भाई और क्या काम होता है HCl का, तो मैं तब भी बताया था और इसमें भी लिख दिया है, इट किल्स हार्मफुल जर्म्स दैट मे एंटर द स्टमक अलॉन्ग विद द फूड। इस एसिड का क्या काम होता है कि ये जर्म्स को भी किल करता है। तो उसके दो एक्शन हो गए, एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना जिससे कि पेप्सिन जो एंजाइम है उसका काम आसान हो सके, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। दूसरा क्या है, जो हार्मफुल जर्म्स जो फूड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं उसको किल करना। और लास्ट क्या है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम डिग्रेडिंग एक्शन ऑफ द एसिड। म्यूकस जो है स्टमक के इनर वॉल्स जो होती हैं उसको प्रोटेक्ट करता है जो ये एसिड प्रोड्यूसर हो उसके उससे, क्योंकि बार बार एसिड प्रोड्यूस होगा तो वो डिग्रेड कर सकता है उसकी वॉल को, तो उससे बचाता है म्यूकस। दी एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल विच रिलीजेज द फूड इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन इन स्मॉल अमाउंट्स। ये NCERT में हम पढ़ चुके हैं कि जो फूड का एग्जिट है कहाँ से, स्टमक से फूड अपन जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो कौन कंट्रोल करेगा उस मूवमेंट को, स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होती है जो क्या करती है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को पास डाउन करती है, बट इन स्मॉल अमाउंट्स, एक साथ सारा फूड नहीं थोड़े थोड़े अमाउंट्स में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब फूड आ गया, अब क्या होगा, इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की साइट है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय इट्स वॉल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो फूड है अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा, ठीक है, क्या कैसे डाइजेस्ट होगा, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स भी सिक्रीट करती हैं, और कुछ ये इसके एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से भी सिक्रीशंस आते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, वो लीवर है, पैनक्रियाज हैं, ठीक है। तो लीवर से क्या आएगा, बाइल जूस आएगा। बाइल जूस क्या करता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उन्हें स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, इमल्सिफिकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। और जो बाइल सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं बाइल जूस में वो क्या करते हैं, वो मीडियम को अल्कलाइन बनाते हैं एंड हेल्प इंटेस्टाइनल एंजाइम्स टू डाइजेस्ट फूड। तो देखा क्यों अल्कलाइन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो फूड आया वो स्टमक से आया और उसमें क्या था, एसिड था, और वो एसिडिक मीडियम से आया तो वो एसिडिक होगा। अब उसे अल्कलाइन करने की ज़रूरत है जिससे कि जो एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है उनका काम आसान हो सके, वो अल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक। और पैनक्रियाज का क्या काम है, पैनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा, ठीक है, देख रहे हैं। स्टमक था तो गैस्ट्रिक वर्ड उससे रिलेटेड है, तो गैस्ट्रिक जूसेस, इंटेस्टाइनल में डाइजेस्टिव जूसेस है, लीवर का क्या है, बाइल जूस है, पैनक्रियाज है तो पैनक्रियाटिक जूसेस होगा। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या आता है, ट्रिप्सिन रिलीज कर होता है उसके अंदर और लाइपेज होता है। ये क्या होते हैं, ये भी एंजाइम्स होते हैं जो, ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन कर देना, और लाइपेज क्या करता है, फैट्स को लिपिड्स में ब्रेक डाउन कर देता है। अब देखते हैं हम, अब जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की हमने बात की है, तो अभी हमने बात कर ली कि लीवर और पैनक्रियाज क्या क्या रिलीज करते हैं सिक्रीशंस में। अब इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो हम बात कर रहे थे वो क्या क्या है, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है।
सॉरी, और प्रोटीन्स को करेंगे अमीनो एसिड्स में। ठीक है, उसके बाद हमारा था एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जिसे हम कहते हैं किसके थ्रू होता है, विलई। विलई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। ये किसमें होते हैं, ये उसकी वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की विलई। देखिए ये मैंने डायग्राम में बताया भी है, ये जो इलियम पार्ट था ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, उसमें दिखाया है कि जब उसका हम सेक्शन अगर हम देखेंगे तो उसमें हमारे को ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेंगे, जैसे मैंने मार्क किया इसके, और इनके बीच का जो पार्ट है वॉल्यूमन है, ठीक है। ये विलई से क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से होती है, और ठीक है। तो और क्या होता है, असिमिलेशन ऑफ फूड, जो यूटिलाइजेशन होना है फूड का, असिमिलेशन मीन्स यूटिलाइजेशन है। तो ये जो विलई क्या होती हैं, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होती हैं और कैपिलरीज, तो इनके अंदर बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज होती हैं, जिनका काम क्या होता है, जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसको अब डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाना, बॉडी के हर एक सेल तक उस फूड को पहुँचाना। जो हमने पहले की वीडियोस में देखा है कि जो फूड जो है एक जगह एब्जॉर्ब होता है उसको, या बनता है उसको एक उस बॉडी पार्ट से दूसरे सभी बॉडी पार्ट्स तक ले जाना होता है ना, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। तो वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ह्यूमंस में क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, जो ब्लड के थ्रू ही क्या करते हैं, जो ये हमने फूड एब्जॉर्ब किया है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और एक क्या कह सकते हैं, ईच सेल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो देखिए जो ये विलई है, एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड सोल्यूबल सिंपल शुगर्स, क्या करते हैं, डाइजेस्टेड सोल्यूबल शुगर सिंपल शुगर्स को डाइजेस्ट करते हैं, अमीनो एसिड्स को करते हैं, एंड पास देम टू ब्लड कैपिलरीज। वही विलई में एब्जॉर्ब हुआ ये सब, क्या क्या, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, और ये सिंपल शुगर्स जो ग्लूकोज बन रहा है कार्बोहाइड्रेट्स से। ठीक है, अब क्या होगा, तो लिम्फ वेसल है, ये विलई का ही पार्ट होता है, वो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो ग्लूकोज क्या है, सिंपल शुगर है, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुए हैं। तो सिंपल शुगर और अमीनो एसिड्स तो हमारे किस में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, विलई के सरफेस पे, और वो ब्लड कैपिलरीज में चले जाएंगे। और जो लिम्फ वेसल्स हैं वो क्या करेंगे, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करेंगे। द ब्लड कैरीज द डाइजेस्टिव फूड प्रोडक्ट्स टू ईच सेल ऑफ द बॉडी फॉर एसिमिलेशन, ये बात मैं बता चुकी हूँ। वे द फूड इज यूज फॉर, जो ब्लड है क्या करेगा, डाइजेस्टिव फूड को बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचाएगा उसके यूटिलाइजेशन के लिए, जहाँ पे जो है फूड यूज़ किया जाएगा, किस लिए, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज, नए टिश्यूज बनाने के लिए, और रिपेयर ऑफ सेल्स एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। जो सेल्स अगर उनमें कोई रिपेयर की ज़रूरत है तो उनके रिपेयरमेंट में काम आएगा ये एनर्जी, ठीक है, और रिलीज करेंगे एनर्जी, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं, द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड एब्जॉर्ब इज नॉट यूटिलाइज इमीडिएटली एंड इज स्टोर्ड आइदर इन लिवर एज ग्लाइकोजन और कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। तो ये बात इम्पॉर्टेंट इसलिए है, क्यों, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं उसमें जो सब जो पूरा फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और स्टोर हो जाता था, वो स्टोर किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। जबकि हमने ऑटोट्रॉफ्स में देखा था कि फूड जो है किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में, ये हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। तो क्या होगा, जो एक्सेसिव अमाउंट है फूड का जो एब्जॉर्ब हो गया, वो तुरंत तो यूज़ हो नहीं जाएगा, इसलिए उसको स्टोर कर लेते हैं, या तो वो लीवर में स्टोर हो जाएगा किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, या फिर उसे कन्वर्ट कर देंगे फैट्स में और वो स्टोर हो जाएगा एडिपोज टिश्यू में, ठीक। तो ऐसे ही हमारा बॉडी का फैट भी बढ़ता है, तभी कहते हैं और ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, जितनी भूख हो उतनी ही खानी चाहिए, वरना वो स्टोर हो जाएगा और फिर मोटापा बढ़ेगा, फिर वेट गेन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन का, अब जो है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वैसे तो उससे सारा एब्जॉर्ब हो चुका है, अब जितना भी अनअब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड है वो ही जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड उसके पास पहुँचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसमें से जो एक्सेस वाटर है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और फिर जो मटेरियल बचेगा वो बिल्कुल यूजलेस है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए उस मटेरियल को हम, हमारी बॉडी जो है रिमूव कर देगी थ्रू एनस,
वहाँ पे हमने देखा था कि एनल स्फिंक्टर मसल होती है वहाँ पे, जिसको हम एनल स्फिंक्टर बोलते हैं, वो रेगुलेट करेगी इसकी मूवमेंट को। ये हमने एनसीईआरटी में देखा था, जब जो टॉपिक हमने कन्वर्ट किया, सॉरी कंप्लीट किया था, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, उसमें इन्होंने दिया हुआ था एक्स्ट्रा नॉलेज डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज क्या होती है? डिके हो जाना टूथ का, दांतों का, राइट, कहते हैं ना कैविटीज़ वगैरह हो गई, वो सब डेंटल कैरीज और टूथ डिके। ठीक है, या तो आप डेंटल कैरीज कह लीजिए, डेंटल वर्ड इज़ रिलेटेड टू योर टीथ ओनली, ठीक है, या फिर टूथ डिके की कोई दांत ख़राब हो गया। कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल। इनेमल क्या होता है? ये जो हमारे टीथ का ये वाइट पार्ट जो हमें दिखता है, ये जो क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी होता है ये, ठीक है, इसको हम इनेमल कहते हैं। ठीक, तो इसको जो है क्या करता है, धीरे धीरे इस इनेमल को भी वो सॉफ्ट कर देता है, और डेंटाइन को जो इसके अंदर की एक और लेयर होती है उसको भी। इट बिगेंस व्हेन बैक्टीरिया, ऐसा कब होता है कि हार्डेस्ट मटेरियल है फिर भी उसको ये नुकसान हो जाता है, डिके हो जाता है, क्या होता है, क्यों हो जाता है ऐसा? इट बिगेंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर, ऐसा तब होता है शुरू जब बैक्टीरिया जो शुगर्स पे काम करता है, उस पर फीड कर रहा होता है, ठीक है, प्रोड्यूस एसिड्स, तो वो क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, दैट सॉफ्टन्स और डीमिनरलाइजेस द इनेमल। तो वही जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या करेगा, जो हमारा इनेमल है उसे सॉफ्ट करता जाएगा, वो एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है और डीमिनरलाइज करता जाएगा, इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, इनेमल हमारा सॉफ्टन होता जाता है और डिके होता जाता है। मासेज ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल्स। मासेज ऑफ बैक्टीरियल सेल्स मतलब बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स जो हैं एक साथ फूड पार्टिकल्स के साथ क्या करते हैं, स्टिक कर जाते हैं टीथ पे, टू फॉर्म डेंटल प्लेक, जिससे कि क्या हो जाता है, क्या बना लेते हैं वो, डेंटल प्लेक। वो देखा है ना आपने डेंटल प्लेक, वो येलो येलो हो जाते हैं कुछ लोगों के टीथ, ठीक है। तो सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो सलाइवा होता है वो जो है टीथ के सरफेस तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि ये जो प्लेक ऊपर उसके कोटिंग हो गई है टीथ के ऊपर, ठीक है, और तो जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, सलाइवा न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, तो टीथ क्या होगा, धीरे धीरे डिके होता जाएगा। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेक। तो ब्रश क्या करना चाहिए हमें, ब्रशिंग करना चाहिए टीथ को, कब कब, जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद, ठीक है, उससे क्या होता है, जो प्लेक होता है ना वो रिमूव हो जाता है बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड्स, जो और बैक्टीरिया क्या है प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा एसिड, उससे पहले ही हम ब्रश कर लेंगे तो प्लेक रिमूव हो जाएगा। इफ़ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन्वेड द पल्प, अगर इसको हमने, अगर प्लेक जम भी गया हमारे दांतों पे, तो अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किया तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे हमारे दांतों के अंदर तक जा सकते हैं, और जो पल्प जो है उसका बिल्कुल अंदर का पार्ट होता है टीथ का, ठीक है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे और कॉजिंग इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। वहाँ पर क्या हो जाएगी, या तो सूजन हो जाएगी आपको, ठीक है, या और इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक, उसी को हम कैविटीज़ कहते हैं ना, वो कैसे कैविटीज़ बन जाती हैं, तो वो इसी वजह से हो जाती हैं। इसलिए ब्रशिंग और टीथ कहते भी हैं ट्वाइस अ डे, सोने से पहले भी और मॉर्निंग में तो करना चाहिए, वैसे भी जब भी आप कुछ भी खाएं तो ब्रश कर लेना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारा टूथ डिके ना हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप आपको समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। इसलिए उससे पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का करेंगे टॉपिक रेस्पिरेशन। टिल देन अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसे रिवाइज करते रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।